हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा है, एक्सरसाइज 5.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 ML अग्रवाल। इसके क्वेश्चन नंबर 1-5 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। काफी सिंपल एक्सरसाइज है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 का 1 क्या है क्वेश्चन, एक्स माइनस 1/x = 3। इसे पहले हम लोगों को थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। एक्स एलसीएम ले लीजिए, एक्स जब आपने एलसीएम ले लिया, एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर, ये x x डिवाइड हो गया तो 1 × 1 आ गया, इक्वल्स टू क्या है ये 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 = क्या 3x। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। इसको यहाँ लेकर आएंगे हम लोग तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 = 0 इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से देखिए ए बी सी डिराइव करना है। एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है वो ए देता है, यहाँ पे कोई 6 कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 0 नहीं, 1। एक्स के आगे जो होता है वो बी देता है, एक्स के आगे क्या है माइनस 3। अच्छा सी क्या है, जिसमें एक्स ना हो, जिसमें एक्स ना हो तो माइनस 1। तो सी क्या मिला आपको माइनस 1। आगे करना क्या है आपको, एक्स निकालना है, एक्स निकालना है तो एक्स का फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बस यही एक फार्मूला आपको ध्यान में रखना है इस पूरे एक्सरसाइज के लिए, बस यही एक फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। आगे ये वैल्यूज उसमें सब्सटीट्यूट करने हैं आपको। सो x इज इक्वल्स टू क्या है माइनस बी, देखिए यहाँ भी माइनस है तो ये दो माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, b क्या है 3 है तो ये 3 आ गया, ठीक है ये प्लस माइनस। आगे देखिए बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है माइनस 4ac ए क्या है 1, सी क्या है माइनस 1, सी क्या है माइनस 1 बाई 2a, बाई 2a मीन्स 2 × a, ए क्या है देखिए 1 × 1। ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। आगे इसे सिंप्लीफाई करना है, एकदम आसान है, एकदम आसान। तो ये 3 है, ये प्लस माइनस है, ये बाई पूरे पे है, रूट ओवर माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये दो माइनस प्लस हो गया, 4 × 1 = 4, ठीक है। आगे देखिए 2 × 1 = 2, ठीक है। इसे जब आप फर्दर और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 प्लस माइनस 9 प्लस 4 13, रूट 13 बाई 2। इसके बाद का स्टेप क्या होता है, आइदर और, क्योंकि देखिए ये प्लस माइनस है, एक कंडीशन प्लस के लिए है, दूसरा कंडीशन माइनस के लिए है। तो आइदर आइदर एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 13 बाई 2, ये आइदर के लिए हो गया, और के लिए और एक्स इज इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 13 बाई 2। इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, बस यही आपका आंसर है। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, 6 का 2, इसे भी वही करना है। पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसका क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे, ये x है, ये x माइनस 2, इन दोनों का ये एलसीएम ले लिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखिए ये x x डिवाइड हो गया तो x माइनस 2 × 1 क्या रह गया x माइनस 2, ये प्लस नीचे आ गया, x माइनस 2 डिवाइड हो गया, x इंटू 1 क्या है ये x है, इक्वल्स टू कितना 3। एकदम आसान है, एकदम आसान, कुछ नहीं है। x प्लस x क्या है 2x माइनस 2 बाई, इसे खोल दीजिए, x इंटू x क्या है ये x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू क्या 3, मतलब 3/1। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या बन जाएगा देखिए 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू क्या है ये 2x माइनस 2, ठीक है। इन सबको दूसरी तरफ लेकर आइए तो ये 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू कितना 0। आगे क्या है 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x क्या माइनस 8x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देखिए काम हो गया, यहाँ से ए बी सी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ से ए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर के साथ वाला क्या देता है ए देता है, ठीक है
बी क्या है एक्स के साथ वाला नंबर, एक्स के साथ क्या है विथ साइन माइनस एट, बी क्या है आपका माइनस एट, सी क्या है जिसमें एक्स ना हो, जिसमें एक्स ना हो तो सी क्या है टू है, ए बी सी आपने क्लासिफाई कर लिया। इसके बाद x का फॉर्मूला बैठाना है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। इसके बाद क्या करना है वैल्यू सब्सिट्यूट करना है, आइए वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं हम लोग। तो x इक्वल्स टू क्या माइनस बी, देखिए ये माइनस और माइनस प्लस हो गया तो b के जगह पे क्या आएगा एट आएगा, ठीक है। आगे क्या है रूट ओवर बी का स्क्वायर माइनस एट का स्क्वायर 64 माइनस फोर ए सी, फोर ए सी मीन्स फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा 24, अच्छा बाई टू ए तो टू इंटू थ्री कितना सिक्स, एकदम सिंपल एकदम सिंपल। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये प्लस माइनस है प्लस माइनस, तो एट प्लस माइनस 64 माइनस 24 कितना 40, 40 तो रूट 40 बाई सिक्स, अच्छा इसे और थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 8 प्लस माइनस ये 40 है, 40 मतलब 4 टेंस ऑफ 40, 40 मतलब 4 टेंस ऑफ 40, और ये 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, 2 बाहर आ जाएगा तो ये 2 रूट 10 बाई सिक्स ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, अच्छा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग आइदर और, आइदर और तो आइदर एक्स इज इक्वल्स टू एट प्लस टू रूट टेन बाई सिक्स, एट और सिक्स में आप टू कॉमन ले सकते हैं तो ये फोर प्लस रूट टेन बाई कितना सिक्स, टू कितने टाइम में थ्री टाइम में, तो ये क्या मिला आपको फोर प्लस रूट टेन बाई थ्री, ये एक पार्ट मिल गया आपका आंसर का एक पार्ट आ गया। और की कंडीशन में देखिए क्या मिलेगा, और x इज इक्वल्स टू एट माइनस टू रूट टेन बाई सिक्स, ठीक है टू कॉमन लेंगे हम लोग तो ये फोर माइनस रूट टेन बाई सिक्स, टू थ्री जा सिक्स मतलब फोर माइनस रूट टेन बाई थ्री। इस तरह से देखिए x का ये दो आंसर मिल गया, बस ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेवन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन जो है इसे हम लोग कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसे लेट कर लेंगे, 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 को लेट करेंगे। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए जो है इसका ये रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल है, यहाँ देखिए x माइनस 2x माइनस 1 न्यूमरेटर में है, यहाँ डिनोमिनेटर में है, यहाँ डिनोमिनेटर में x प्लस 3 है, वहाँ न्यूमरेटर में है, इसका ध्यान रखिएगा। एकदम सिंपल है, देखिए जैसे ही हम लोग लेट करेंगे इसे ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाएगा। लेट 2x माइनस 1 बाय x प्लस 3 बी y, इसे हमने y लेट कर लिया। अब ये क्वेश्चन कैसे लिखेंगे हम लोग, ये 2 इसको हमने y लेट किया तो ये 2y माइनस 3, ये देखिए इसका रेसिप्रोकल है मतलब बाई वाई, बाई वाई मतलब ये पूरा जो है 1 बाई वाई के बराबर है, 1 बाई वाई के बराबर है, अच्छा। इक्वल्स टू क्या है 5 है, इक्वल्स टू 5, इसे अब हम लोग थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम क्या मिलेगा आपको y मिला, यहाँ से ये क्या मिला 2y स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू क्या है 5 है। आगे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2y स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू क्या 5y, इसे इस तरफ ले आइए तो ये 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसके बाद यहाँ से ए बी सी आसानी से आप क्लासिफाई कर सकते हैं, ए क्या है 2 है, बी क्या है माइनस 5, सी क्या है माइनस 3। आगे क्या करना है एक्स का फॉर्मूला लिखना है, तो एक्स इक्वल्स टू क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाई 2 ए, यही तो फॉर्मूला है, यही तो फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाई 2 ए। लेकिन रुक जाइए, ये जो आपने इक्वेशन बनाया इसमें x कहाँ है, ये तो y के टर्म्स में है, तो यहाँ पे x नहीं
यहाँ पे y निकलेगा आपका, यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा किसका वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा। आगे y इक्वल्स टू माइनस b, b क्या है देखिए माइनस फाइव, दो माइनस प्लस हो गया तो ये 5 आ गया। अच्छा प्लस माइनस रूट ओवर क्या है देखिए बी स्क्वायर, माइनस फाइव का स्क्वायर 25। अच्छा माइनस फोर ए सी, ए सी फोर ए सी, फोर टू ज़ा एट, एट थ्री ज़ा 24। यहाँ देखिए माइनस था, इसमें भी एक माइनस है सी में, तो ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया। अच्छा बाई टू ए, टू ए ए कितना है टू है, तो टू इंटू टू कितना फोर, एक बार ही लिख देते हैं, टू इंटू टू कितना फोर, ठीक है। फर्दर जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, फाइव प्लस माइनस 25 प्लस 24 कितना 49, कितना 49। अच्छा बाय फोर एकदम सही। आगे देखिए y इक्वल्स टू क्या, 5 प्लस माइनस 49 से क्या बाहर आएगा 7 बाई फोर। इसके बाद आइदर और हम लोग कर सकते हैं, तो आइदर आइदर y इज इक्वल्स टू 5 प्लस 7 बाई फोर, 5 प्लस 7 कितना 12 बाई फोर, तो ये 12 बाई फोर क्या मिलेगा आपको 3 मिला, एक वैल्यू y का 3 मिला। और y इक्वल्स टू 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 बाई फोर माइनस 2 बाई फोर, मतलब माइनस 1 बाई टू, ये दो y का वैल्यू मिला। क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जी नहीं, ये y तो आपने लेट किया था, क्वेश्चन में y को लेट किया था, क्या लेट किया था आपने 2x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू क्या था y था, y का वैल्यू दो वैल्यू है, पहले आप 3 को यूज़ करिए, तो इक्वल्स टू क्या हुआ 3, इसको यूज़ करके देखिए x का क्या वैल्यू मिलेगा, 3 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये 3x प्लस 9 इक्वल्स टू क्या 2x माइनस 1, ये प्लस 2x है यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 3x माइनस 2x, ये माइनस 1, ये प्लस है दूसरी तरफ जाने से माइनस हो गया, 3x माइनस 2x क्या है x है, माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10, देखिए x का एक वैल्यू आ गया। ये x 10 कब आया, जब आपने y का वैल्यू 3 लिया, दूसरी बार आपको y का वैल्यू 1 बाई टू लेना है, मतलब 2x माइनस 1 बाय x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या माइनस 1 बाई टू। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है तो 2 टू ज़ा 4x माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स और ये माइनस 3, 4x माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो ये 5x हो गया, माइनस 3 है इधर वो माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस 3 प्लस 2। अच्छा इससे देखिए क्या मिलेगा आपको, 5x इक्वल्स टू माइनस 1, तो x का वैल्यू क्या मिला आपको माइनस 1 बाई 5, ये x का दूसरा वैल्यू मिला, बस यही आपका आंसर है, x क्या है माइनस 10 और क्या माइनस 1 बाई 5। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में काफी आते हैं, इसे ध्यान से देखिएगा, क्या करना है इसे सॉल्व करना है और x के जो आंसर्स है इसे आपको 2 डेसिमल प्लेस तक देना है। इसको करने का मैं एक बहुत ही अच्छा तरीका आपको मैं बताऊंगा, इसे ध्यान से देखिएगा, काफ़ी सिंपल भी है। सबसे पहला काम ए बी सी क्लासीफाई करिए, ए क्या है 1 है, बी यहाँ क्या है माइनस 5, सी क्या है माइनस 10। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स का फॉर्मूला, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाई 2 ए बाई 2 ए, एकदम सिंपल है। अच्छा आगे देखिए इसमें वैल्यू पुट करिए, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ भी देखिए माइनस है यहाँ भी माइनस है प्लस हो गया, बी कितना है 5 तो ये 5 बैठा दीजिए, प्लस माइनस ठीक है, रूट ओवर क्या बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 ए सी, 4 ए सी ए सी तो 4 10 ज़ा 40, 4 1 ज़ा 4 इंटू 10 40, और ये एक माइनस है और ये माइनस मिलके प्लस हो गया
ये कितना आया 40। अच्छा बाई 2a, a कितना है 1 है, तो 2 इंटू 1 कितना 2, एकदम इजी, एकदम इजी है। अच्छा ये 5 आ गया, ये प्लस माइनस, आगे क्या है 25 प्लस 40 65 बाई 2, 65 बाई 2। इसके बाद क्या करना है, आइदर और, इसके बाद आइदर और, एकदम हड़बड़ाइएगा नहीं, एकदम हड़बड़ाइएगा नहीं, आइदर और, तो आइदर x इज इक्वल्स टू क्या 5 प्लस रूट ओवर 65 बाई 2। अच्छा और का केस क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस रूट 65 बाई 2। तो ये आइदर और हमने क्लासिफाई कर लिया। फिर आप बोलोगे सर आप भूल गए क्वेश्चन में क्या बोला है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, x आपको डेसिमल में चाहिए मतलब रूट 65 का वैल्यू चाहिए। फिर आप बोलोगे सर यही तो झमेला है, रूट 65 का वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा और वो काफ़ी समय लेगा। उसको करने का एक सिंपल सा, एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है और वो शॉर्टकट भी है। इसको कैसे करेंगे, देखिए ये रूट 65 कैसे निकालेंगे, इसके लिए ये एक फार्मूला लिख रखा है मैंने, ये लिख रखा है। सबसे पहला काम, इस रूट 65 को आप नियरेस्ट स्क्वायरिंग नंबर में एक्सप्रेस करिए, मतलब 65 का नियरेस्ट स्क्वायरिंग नंबर मतलब क्या, 64 प्लस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। जैसे ही आपने इसको 64 प्लस 1 लिखा, ये इस फार्मूला में आ गया, मतलब ये आपका m है, ये आपका n है। ये फार्मूला क्या कहता है, ये कहता है रूट ओवर m, रूट ओवर m, तो रूट ओवर m मतलब रूट ओवर 64 प्लस n, n क्या है 1 है, ठीक है, बाई 2 रूट ओवर m, m कितना है 64, इसमें एक्सप्रेस हो गया। फिर आप बोलोगे सर ये भी झमेला लग रहा है, कुछ नहीं है, हो गया, देखिए रूट ओवर 64 से क्या बाहर आएगा, 8 बाहर आएगा, प्लस 1 बाई 2 इंटू 8, आगे क्या है 8 प्लस 1 बाई 16, 8 प्लस 1 बाई 16, 1 बाई 16 को डेसिमल में चेंज कर लीजिए, थोड़ा तो करना पड़ेगा, थोड़ा तो करना पड़ेगा, तो 1 बाई 16 है। अच्छा 1 से कर रहे हैं हम लोग, 0 पॉइंट, ये 10 आ गया, एक 0 100 आ गया, 16 6 है कितना 96, क्या रह गया 4 40, 16 2 जा 32, क्या रह गया 8 0, तो ये 5 टाइम में, मतलब क्या मिला आपको 8 प्लस 0.0625, मतलब 8.0625, ये है इसका वैल्यू। तो ये क्या पूरा वैल्यू हम लोग यूज़ करेंगे, जी नहीं, हम लोग सिर्फ 06 यूज़ करेंगे, 06 यूज़ करेंगे। तो पहला कंडीशन में क्या था, 5 प्लस 8.062, तो 8.06 बाई 2। अच्छा अब जब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो 5 प्लस 8 कितना 13.06 बाई 2। अच्छा इसको रिड्यूस करने पे 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, दो प्लेस पे डेसिमल, एक पार्ट आ गया। दूसरा क्या था देखिए, 5 माइनस, तो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस रूट 65 का वैल्यू क्या है 8.0625, मतलब 06 ही है, दो प्लेस लेंगे हम लोग, दो प्लेस लेंगे। अच्छे माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 3 बाई 2 भी है, 3.06 बाई 2, 2 15 जा 30, 2 3 जा 6, दो प्लेस का डेसिमल। देखिए x का दो वैल्यू आपको मिल गया, मुझे लगता है ये स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से ज़्यादा आसान है। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से और एक्यूरेटली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, 8 का 2, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, आइए इसे करते हैं। सबसे पहला काम, इस 7 को इस तरफ लेकर आना है, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए ए बी सी क्लासीफाई करना कितना आसान हो गया,
यहाँ से ए क्या है 1, बी क्या है 7, सी क्या है -7। इसके बाद एक्स का फार्मूला यूज़ करना है, एक्स इज इक्वल्स टू क्या -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac बाई टू ए। एकदम सिंपल है। अच्छा आगे देखिए, वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है आपको, -b यहाँ +7 था तो ये -7 हो गया, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4ac 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28। यहाँ एक माइनस का साइन था, ये माइनस का साइन है, ये प्लस हो गया बाय 2a, तो 2 × 1 तो 2a मतलब 2 रह गया। आगे इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए -7 प्लस माइनस रूट ओवर 49 प्लस 28 कितना 7 677, रूट ओवर 77 बाई 2। इसके बाद आइदर एक्स इज इक्वल्स टू क्या -7 प्लस रूट ओवर 77 बाई 2 और एक्स इज इक्वल्स टू -7 माइनस रूट ओवर 77 बाई 2। ये क्वेश्चन तो हमने फ्रेम कर दिया, लेकिन क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? जी नहीं, ये रूट 77 का वैल्यू चाहिए। तो इस रूट 77 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस फार्मूला से जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। इसको एक्सप्रेस करना है आपको नियरेस्ट स्क्वायरिंग नंबर में, चाहे वो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। तो मुझे लगता है इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं 81 माइनस फोर। तो ये क्या हुआ, m माइनस n, ये m हो गया, ये n हो गया। तो फिर फार्मूला क्या कहता है, रूट m मतलब रूट 81। अच्छा ये प्लस है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे माइनस यूज़ किया तो यहाँ पे माइनस देंगे। n क्या है 4 बाई रूट ओवर m, 2 √m, तो 2 √81। इससे क्या मिला 9 माइनस 4 बाई 2 × 9। अच्छा 2 × 2 = 4। आगे क्या है 9 − 2/9, ये 2/9 जो है इसको डेसिमल में चेंज कर लीजिए, 2/9 डेसिमल 20, 9 × 2 = 18, 20 × 9 = 18। तो ये चलता जा रहा है, तो हम लोग इसका वैल्यू जो है 9 − 0.23 ले लेते हैं, रेकरिंग है। अब इससे जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 9.00 −0.23, 10 − 3 = 7, 9 − 2 = 7, 8.77। देखिए कितना आसानी से आपने इसका वैल्यू निकाल लिया, किसका वैल्यू, रूट 77 का वैल्यू। अब इसमें पुट करना है आपको। अच्छा तो ये था वैल्यू, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो x इज इक्वल्स टू क्या था, ये -7 प्लस रूट 77 मतलब 8.77 बाई 2। ठीक है, इसको जब आप करेंगे तो क्या आएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, 8 − 7 = 1, तो ये 1.77 / 2। डेसिमल को रिमूव कर दीजिए, नीचे 200 हो गया। इसको कन्वर्ट कर दीजिए, 177 छोटा नंबर है, डेसिमल दे दीजिए, 1770 हो गया। कितने बार में देखिए 200 है, आप इसको 8 टाइम ले सकते हैं, 1600। अच्छा ये 071, एक ज़ीरो दे दीजिए, 8 टाइम 1600। अच्छा ये 100 आ गया, एक ज़ीरो दे देंगे 1000, तो ये 5। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिला आपको, 0.885। ये x का एक वैल्यू मिल गया। दूसरा क्या था, माइनस में था दूसरा था, उसका वैल्यू कैसे निकलेगा, बस यही है, सिर्फ ये माइनस हो गया मतलब ये जो प्लस था ये माइनस में चेंज हो जाएगा। तो -7 − 8 कितना हो गया, −15.77 / 2। इसको रिमूव कर देंगे तो ये 200 हो जाएगा, तो 1577 बाई 200।
इसका डिवाइड मैं यहाँ करता हूँ, 200 डिवाइडेड बाय 1577, एकदम आसान है, एकदम आसान। कितने बार में, सेवन टाइम में 1400। अच्छा तो ये 77, ये 1 आ गया, डेसिमल दे दीजिए 1770 हो गया। 8 टाइम में 1600 हो गया। अच्छा फिर क्या रह गया, 170। एक ज़ीरो दे दीजिए 1700 हो गया। 8 टाइम में 1600 क्या रह गया, 100। एक ज़ीरो 1000, कितनी बार में, 5 बार में। तो दूसरा जो x का वैल्यू मिलेगा आपको वो क्या मिला, माइनस 7.885। ये मुझे लगता है स्क्वायर रूट मेथड से काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये काफ़ी आसान है और एग्ज़ाम्स में सम्स के रॉन्ग होने के चांसेस जो है काफ़ी कम हो जाते हैं।